साथियों नमस्कार, हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आपका बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल का जो प्रिय प्रोग्राम है नर्सरी पाठशाला, उसमें आज बहुत प्रिय जो है शीर्षक है मनी प्लांट, पोथोज को कैसे लगाएं, कैसे उसको घना करें, हरा भरा कैसे करें और साथ में वास्तु की दृष्टि से कैसे लगाएं, तथा जितनी भी शंकाएं हैं, जो भ्रम हैं, उन सब का समाधान है आज के ब्लॉग में। तो आज पूरा ब्लॉग जरूर देखें। और इसके साथ ही आज के दो प्रश्न, पहला प्रश्न ये कि कौन सा पेड़ ऐसा है जिसमें हम चढ़ नहीं सकते लेकिन वो पेड़ है, पौधा है। प्रश्न नंबर दो कि भारत में सबसे ज़्यादा फल की हार्वेस्टिंग, मतलब पैदावार कौन से फल की होती है भारत में। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर तो मैं तुरंत दिए दे रहा हूँ, वो फल है बनाना, केला। और जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर आप थोड़ा इंतज़ार करिए। और पहले प्रश्न का आप स्वयं मनन और चिंतन करें। यदि आपको आता है तो आज के आप लकी पर्सन हैं, और नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप मनी प्लांट के बारे में विस्तृत जानकारी लीजिए आज। साथियों नमस्कार। साथियों आज की नर्सरी पाठशाला में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो भी मनी प्लांट। सामने आप देख ही रहे हैं, और आज आपको हम बहुत सारी मनी प्लांट की वैरायटियों को भी दिखाएंगे और उनका प्रोपोगेशन का तरीका भी बताएंगे कि कैसे वो घने हों और कैसे हरे पत्ते आप प्राप्त कर सकें। ये देखिए आज आपको दिखा रहे हैं, और नई नई वैरायटी भी आज आपको दिखाएंगे। और मनी प्लांट के बारे में जितने सारे भ्रम हैं उन भ्रम और संदेहों को भी आज हम तोड़ देंगे, क्योंकि किसी कार्य करने में संशय नहीं होना चाहिए। जो भी कार्य करिए मन से और प्रसन्नता से करिए। इसका वास्तव में वास्तु की दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। इसके रखने रखाने के ऊपर भी बड़ा विचार करते हैं लोग, कब लगाएं ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। चलिए आज आपका सबका समाधान कर देंगे। ये देखिए, ये जो पहली हम आपको वैरायटी दिखा रहे हैं ये लेमन मनी प्लांट है, नियोन भी कहते हैं इसको। तो एक तो ये भाई आप सबसे पहली वैरायटी देख लीजिए। सबका लगाने का सिस्टम एक ही है, वो इकट्ठे अभी लास्ट में हम आपको बता देंगे कि इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, वो भी प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे आपको। चलिए सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इसको लगाना कब उचित है। आज देखिए फ्राइडे है, शुक्रवार है, आज शुक्रवार के दिन ही इसको आप लगाइए। अब इसका कहिए तो हम आपको आध्यात्मिक और ज्योतिषी के दृष्टि से भी महत्व बता दें। शुक्र ग्रह जो प्रतिनिधित्व करता है वो वनस्पति का करता है। शुक्र और बुध दोनों ग्रह वनस्पति के प्रतीक हैं, और शुक्र ग्रह को हरा ग्रह, हरा रंग बहुत पसंद है, और गणेश जी को बहुत अच्छा पसंद है। और गणेश के जो मतलब जो ग्रह हैं वो बुध हैं, इसीलिए गणेश जी को अगर आपको मालूम हो कि दूर्वा चढ़ाई जाती है, मतलब जो घास हरे रंग की होती है वही चढ़ाई जाती है गणेश जी को, और ये मान्यता है कि उससे बुध ग्रह अच्छा हो जाता है। तो अब क्या हुआ, शुक्र ग्रह से आपको सुख शांति और संपदा प्राप्त होगी, और बुध ग्रह से आपको बुद्धि और बल प्राप्त होगा। तो भाई इसीलिए आप आज से नहीं, राजा महाराजा किंग नवाब सबके घरों को देखिए, सबके भवनों को देखिए, राजमहलों को देखिए, और आज राष्ट्रपति जी, गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अभिनेताओं के घरों को देखिए, तो सबके इधर आपको प्रकृति प्रदत्त पौधे ऑर्नामेंटल्स विशेष रूप से लगे मिलेंगे। यही प्रतीक है शुक्र का, इसका मतलब उनके दिन अच्छे चल रहे हैं। अगर आपको अपने दिनों को अच्छे करना है तो अपने घर में बगिया जरूर लगाइए और मनी प्लांट को लगाइए, जिससे हरा भरा रह सके। क्योंकि मनी प्लांट शीर्षक है, आज टॉपिक है हमारा, इसलिए हम मनी प्लांट की तो गुणवत्ता आपको बताएंगे ही। साथ में देखिए इस तरह के भी आप अच्छे अच्छी कलाकृतियाँ भी अपने बागवानी में रखिए। ये सब देखिए, पूरा अच्छा देखिए, अच्छा देखेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, और बुरा देखेंगे तो फिर बुरे विचार आएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि साहब इसको शुक्रवार के दिन ही इसको मनी प्लांट को घर में लगाना है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि इसको रखा कहाँ जाए। देखिए, अगर आपको बेल बनाकर इसको ऊपर चढ़ाना है, ऊपर की तरफ, तो इसको कोने में रखिए। आप दीवारों के जो कोने होते हैं उसमें रखिए,
और इसको अगर आपको बेल बनाना है तो दक्षिण पूर्व के कोने में रखिए। अच्छा, अगर आपको बेल नहीं बनाना, इसी तरह से कटिंग और सुंदरता गमले में रखना है, तो फिर आप ईशान कोण पे या पूर्व में रखिए। ठीक है, दो जगह निश्चित कर लीजिए, दक्षिण पूर्व का कोना उसमें रखिए अगर आपको बेल बना के ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि बेल दक्षिण में लगा के ऊपर चढ़ाई जाती है तो उसका वास्तु की दृष्टि से अच्छा असर होता है। और दूसरे, यदि आपको बेल नहीं बनाना, उसी तरह से सुंदर रखना है, तो आप जो है ईशान कोण में रखिए या पूर्व में रखिए। ये देखिए दूसरी वैरायटी है, ये सादा वैरायटी है, ये सादा वाली वैरायटी है और ये बहुत आसानी से लग जाती है। आजकल बारिश का समय चल रहा है तो देखिए इसके नॉट के पास से ये रूट निकल आते हैं, यहीं से आप कट कर लीजिए और इसको लगा लीजिए बहुत आसानी से। पहले चाहे वाटर पानी में डाल दीजिए, 2-3 दिन पानी में डला रहे, फिर इससे आप मिट्टी में लगा लीजिए बहुत आसानी से। चलिए आज आपको बहुत सारी वैरायटियाँ भी दिखाएंगे। अच्छा, अब मनी प्लांट के बारे में जो दूसरी सबसे बड़ी क्वेरी आती है, जो कई लोग फ़ोन करते हैं और हमसे जुड़ गए हैं, वो ये कहते हैं कि साहब घने पत्ते कैसे होंगे, हमारे मनी प्लांट में पत्ते नहीं आते। चलिए आज हम आपको उसका बहुत पुरानी विधि भी बताए दे रहे हैं और बहुत ही आसान तरीका भी बताए दे रहे हैं। ज़्यादा हम देखिए भाई, कई आपने यूट्यूब देखे होंगे तो विभिन्न तरह की चीज़ें बताते हैं, हम तो सीधी सीधी बात बताते हैं जो हम प्रैक्टिकल देखते हैं, क्योंकि हमारे इधर ये परमानेंट पौधे 2-2, 3-3 साल से लगे हैं, हम इनको कटिंग के द्वारा भी डेवलप कर लेते हैं और कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। देखिए अब हम आपको पुरातन तरीका बता रहे हैं। फिल्म में तो बताया कि भगवान शिव को दूध मत चढ़ाइए, लेकिन हम कहेंगे कि पेड़ पौधों को दूध जरूर दीजिए, सीजन में 3 बार तो दीजिए ही दीजिए। ये देखिए ये दूध रखा है, शुद्ध दूध है, इसको पानी मिश्रित मिला लीजिए और फिर इसको चाहे आप स्प्रे करिए, ये देखिए स्प्रे के द्वारा इस तरह से स्प्रे कर दीजिए, चाहे आप, अगर आपके पास स्प्रे मशीन नहीं है, मेरे पास देखिए भाई स्प्रे मशीन से मैं करता हूँ, इसको सीजन में करिए आप, रो मतलब महीने में या 2 महीने में आप कर दीजिए, नहीं 3 महीने में कर दीजिए। देखिए अभी मैंने दूध आपके सामने डाला और इन पत्तों की आप टाइटनेस देखिए और इनका इनकी चमक देखिए आप, कितनी अच्छी चमक आ गई है। यही है इसका सीक्रेट, ये रहस्य आज हमने आपको बता दिया। ये देखिए ये तीसरी वाली वैरायटी है जिसका अभी जिक्र नहीं हो पाया, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये मार्बल प्रिंस मनी प्लांट है, ये छोटा, इसको इसमें भी भाई कर दीजिए स्प्रे। और ये देखिए ये इसका सीक्रेट है, और इसमें चाहे आप कोई भी अपना कीटनाशक पेस्टिसाइड, अपना जैविक हो तो जैविक डालिए, नहीं हो तो जैसे आजकल बारिश के सीजन चल रहे हैं इनमें भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो पेस्टिसाइड भी आप कर सकते हैं। ये मिल्क है, दूध है ये पूरी तरह से, अभी ये खाली हो जाएगा मैं इसमें भर दूँगा, तो ये भी एक आप विशेष वो करिए। ये हमारी, हमने इसको परखा है, हमने इसको प्रयोग किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी करिए। तो अब तीनों चीज़ों का निराकरण हो गया। एक तो ये भ्रम तोड़ दीजिए कि वो जो है मनी प्लांट से पैसा आता है, मनी प्लांट से नहीं, कोई भी आप हरी चीज़ लगाएंगे, हरी पेड़ पौधे पत्ते जो भी आप लगाएंगे उसी से सुख संपदा आएगी, और संपदा में सब चीज़ आ जाती है, उसी में पैसा आ जाता है, उसी में धन आ जाता है, उसी में लक्ष्मी जी आ जाती है, सब आ जाता है उसी में। दूसरी चीज़ ये घना कैसे होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज़ इसको रखा कहाँ जाए ये भी आपने मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसकी वैरायटी और प्रोपोगेशन भी बताऊँगा। प्रोपोगेशन का भी मैंने आपको बता दिया कि कुछ नहीं, आजकल बारिश का सीजन चल रहा है, बहुत अच्छे इसके नॉट के पास से जड़ें निकलती हैं, उन्हीं को आप तोड़ के लगाते जाइए, ये देखिए सामने, बस ये समझ लीजिए लग गया है, ये आजकल चाहे जितना आप लगाइए, छोटे में लगाइए बड़े में लगाइए। चलिए आपको वैरायटी आज दिखा दें। अच्छा, ये वाली वैरायटी है ग्रीन हार्ट लीफ, ये रेयर वैरायटी है भाई ये, और बहुत धीमे बढ़ती है, इसको लगाना थोड़ा सावधानी से होता है। देखिए सावधानी तो ये कि मनी प्लांट में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखिए, मिट्टी जो है उर्वरक रखिए, और इसमें सैंड मिलाइए और इसमें काऊ डंक मिलाइए, लीफ कंपोस्ट मिलाइए, ये तो इसकी इसका ध्यान रखिए, और पानी इकट्ठा ना हो पाए, पानी से इसकी दुश्मनी है। यद्यपि देखिए पानी में ही लग जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी में ये अच्छी तरह से लगता है, लेकिन पानी में ये अगर रोटेट पानी आप नहीं करेंगे तो फिर जड़ें गल जाती हैं इसकी। तो चलिए वो पानी के चक्कर में आप मत पड़िए, आप तो सीधे मिट्टी में लगाइए इसको अच्छी तरह से। और ये देखिए, कई लोग तो जानते ही नहीं कि ये मनी प्लांट की ही वैरायटी है, ये भी मनी प्लांट की वैरायटी है। अभी हम आपको एक और चीज़ दिखा रहे हैं सादा वाली, ये वैलीगेटेड हार्ट लीफ है,
हार्ट लीफ है। अभी मैं आपको सादा भी इसका दिखा रहा हूँ, ये वेड रिलेटेड है, बहुत सुंदर लगती है, आकर्षण होता है इसमें। देखिए ये जेड पैथोज है, ये सादा रहते हैं, इसमें पत्ती सादा है, देखिए हार्ट की तरह इसकी पत्तियाँ हैं। देखिए भाई, देखिए कोई मिल्क वाला दूध वाला स्प्रे तो मैं कर ही रहा हूँ। देखिए वास्तव में जब से मैं ब्लॉग तैयार करता हूँ तब से मेरे पौधे और अच्छे स्वस्थ हो गए हैं, क्योंकि मैं उनकी देखभाल भी करने लगा हूँ। पहले भाई मुझे बनाना बनाना नहीं आता था, अब मैं इस मामले में दक्ष भी हो गया हूँ, और अच्छी कई लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ की, और मैं मेहनत भी करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, आप लोगों के लिए सब कलेक्ट करता हूँ। और बस ये है कि आप जुड़े रहिए। अभी देखिए मैं आपको और भी अच्छी चीज़ की जानकारी दूंगा, इसी में अगली वैरायटी भी दिखाऊँ। ये देखिए ये जेड पैथोज में ही है इसकी वैरायटी, मेंजुला पैथोज भी इसको कहते हैं। और इसमें यह है कि उसकी हार्ट की तरफ लीफ है, इसकी लीफ देखिए लंबी होती है। ये अक्सर आपने VIP जो प्रोग्राम होते हैं राष्ट्रपति महोदय के, अन्य बाहरी जो आते हैं, उसमें आप देखना कि ये हमेशा गमले इस तरह के रखे जाते हैं। मनी प्लांट को शुभ भी माना जाता है रखना, टेबल पे भी लोग रखते हैं, ऑफिसर्स रखते हैं, नेता लोग रखते हैं, और भी अच्छे लोग सब रखते हैं, बिजनेसमैन बड़े बड़े रखते हैं। आप भी लगाइए, आप भी रखिए। देखिए अब प्रोपोगेशन का मैं तरीका आपको बता दूं, इस तरह से पानी में रख दीजिए, आप देखिए जड़ निकल आई हैं फर्स्ट क्लास, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये देखिए खूब अच्छी जड़ें निकल आई, अब इसे आप ज़मीन में लगा दीजिए। और ये देखिए ये आजकल बारिश का टाइम चल रहा है, बहुत अच्छी रूट बढ़ रही है, बस इसको लगा दीजिए। ये देखिए मैंने लगाया है, लग गया है, ये देखिए छोटा वाला भी लग गया। तो इस तरह से आप लगाइए। अब आपको कोई अगर जानकारी लेना है तो कमेंट सेक्शन में आके हमसे आप पूछिए, हमें खुशी भी होगी और हमें उत्साहवर्धन भी होगा हमारा। तो चलिए साहब जुड़े रहिए बस। और अब मैंने आपको बता दिया, आज शुक्र का रहस्य भी बता दिया, रखने का रहस्य बता दिया, पूरी जानकारी आज आपको मनी प्लांट के बारे में मिल गई। और कल आप समुद्र के बारे में और वृक्ष जो पारिजात है इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कल के ब्लॉग में। अब जो पूछा गया पहला प्रश्न उसका उत्तर की जानकारी आप ले लें, वो पेड़ जो है केला का पेड़ है। केला का पौधा जो है पेड़ तो कहलाता है, लेकिन उसमें कोई चढ़ नहीं सकता। तो आपके दोनों उत्तर हो गए। सबसे ज़्यादा भारत में केला का फल पैदा होता है, और केला का पौधा ऐसा है पेड़ जिसमें कोई चढ़ नहीं सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, प्रकृति की बहुत मनोरम जानकारी लीजिए रुचिकर, और साथ में देखिए एक लाल बटन आपके दाहिने तरफ है उसको जरूर दबा दीजिए, तो फिर जो हमारे नोटिफिकेशन हैं सामयिक घटनाओं के, प्रतियोगिता के, बहुत सारे विषयों पे चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, हमारी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आपको नई नई जानकारियाँ दे रही है, और आप के बृहद ज्ञान को बढ़ाने का वो सब हमारी टीम के लोग प्रयास कर रहे हैं और अच्छे अच्छे विषय सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए जैसा आपको लगे वैसी प्रतिक्रिया अपनी हमको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।